नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 6 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया में प्रकाशित होने वाली वैसे समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे है। तो तमाम संस्करणों से हमने खबरें उठाई है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता से ली है। इस संस्करण में ये लिखा है, मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में किसानों का ऐलान, कृषि कानूनों की वापसी तक घर नहीं जाएंगे, वोट से करेंगे चोट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में सरकार को वोट की चोट देने का ऐलान किया गया। महापंचायत में देश के 15 राज्यों से बड़ी तादाद में किसान हिस्सा लेने पहुंचे। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत में अपने संबोधन में कहा, कृषि कानूनों की वापसी तक घर नहीं जाएंगे, सरकार की वोट से चोट देनी होगी। केरल में अब निपाह विषाणु ने दी दस्तक। केरल में कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रकोप के साथ ही निपाह विषाणु ने भी दस्तक दे दी है। रविवार को राज्य के कोझिकोड जिले में 12 वर्षीय बच्चे की निपाह विषाणु संक्रमण से मृत्यु हो गई और मौत के बाद केंद्रीय दल को राज्य में भेजा गया। वहीं इस विषाणु में राज्य में 2 और लोगों में संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जबकि बच्चे के संपर्क की संख्या 188 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पीड़ित लड़के के शरीर से नमूने लिए गए थे और उन्हें पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया था, जहां उनमें निपाह विषाणु की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ प्राथमिकी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की ओर से कथित तौर पर एक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर रायपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। मामला लखनऊ के एक आयोजन में टिप्पणी करने का है। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य समेत कुल 19 पदक जीते भारत ने। टोक्यो पैरालंपिक कृष्णा नागर ने बैडमिंटन के SH6 क्लास स्पर्धा में जीता स्वर्ण। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास को बैडमिंटन में रजत। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में दूसरा स्वर्ण पदक जिताया है। वहीं उनसे पहले गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास यसीराज ने रजत पदक हासिल किया। भारत ने इस तरह 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य समेत कुल 19 पदक जीतकर पैरालंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की याचिका खारिज करते हुए की टिप्पणी, योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक सुस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें उच्च न्यायालय का कॉलेजियम न्यायाधीशों की वरिष्ठता, योग्यता और सरकार द्वारा उनके बारे में प्राप्त सभी सूचनाओं पर विचार करता है। उच्चतम न्यायालय ने एक न्यायाधीश की पदोन्नति को रोकने की कोशिश करने व अदालती कार्रवाई का दुरुपयोग करने पर एक वकील पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह टिप्पणी की है। किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। रविवार को मुजफ्फरनगर में हुए महापंचायत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानूनों की वापसी को मांग को लेकर भारत बंद से देश को संदेश दिया जाएगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर पादरी, 2 अन्य के साथ मारपीट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक पुलिस थाने में रविवार को दक्षिण पंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण के मुद्दे पर एक पादरी और ईसाई संगठन के 2 पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी साझा की है। वैशाली में पुलिस टीम पर हमला, वहाँ महिला पुलिसकर्मियों पर छींटा कसी बवाल। जन्माष्टमी जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने से मना करने पर कुछ असामाजिक तत्व पुलिस से उलझ गए। एक पुलिस पदाधिकारी का कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद कश्ती में सवार महिला पुलिसकर्मियों पर छींटाकसी की गई। घटना मोकामा थाने की मोकामा घाट की है। पुलिस को आत्मरक्षा में 10 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। 11 महिलाओं और 19 पुरुषों को पकड़ कर लाया गया। हालांकि फायरिंग के दौरान भी बस्ती के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके हमले जारी रहे। बाद में DSP के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2.5 दर्जन लोगों को पकड़ा। इनमें महिला पुरुष, छात्र, छात्राएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है पुलिस द्वारा यहां कई घरों में को भी उजाड़ दिया गया है। तेज प्रताप ने बनाया नया संगठन, छात्र जन शक्ति परिषद। तेज प्रताप ने छात्रों की समस्याओं के लिए नया संगठन बनाया है। अपने सरकारी आवास पर छात्रों के साथ बैठक कर उन्होंने छात्रों के मुद्दे को लेकर संघर्ष करने के लिए छात्र जन शक्ति परिषद के गठन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजद को मजबूत करने के लिए उन्होंने यह नया सामाजिक संगठन बनाया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगी। कोरोना की तीसरी लहर का खौफ, लॉकडाउन की आशंका से पूजा समितियां
खर्च में कर रही कटौती। इस बार पंडालों में विराजेंगी माँ दुर्गा, लेकिन पहले जैसी भव्यता नहीं, सजावट पर ही जोर, आधी से कम पूजा समिति तैयारियों में जुट चुकी है। समितियों ने हर साल से एक चौथाई का ही बजट इस बार बनाया है। क्रूडा ने पूरी तरह बदल डाला पटना की दुर्गा पूजा को। पंडाल और प्रतिमा के मामले में तो काफी पीछे नजर आता था, लेकिन बस लाइटिंग को लेकर नए प्रयोग दिखने के आसार बताए जा रहे हैं। बाकी लॉकडाउन के डर से कमजोर ही रहेगा। माँ दुर्गा की प्रतिमाएं 20-20 फीट की बनती थी, इस बार हमसे कुछ ही ऊंची होगी। बंगाली अखाड़ा की भी महज 8 फीट की प्रतिमा बनवाएगा और डोमन भगत लेन तो 7 फीट की ही। बियाड़ा के प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने 5 एकड़ जमीन देने की दी अनुमति। पटना जिले के सिकंदरा में खुलेगा IIM बोधगया का सैटेलाइट कैंपस व कंसल्टेंसी सेंटर। पटना जिले के विहटा के सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बोधगया का सैटेलाइट कैंपस खुलेगा। इस कैंपस में MBA इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ PhD भी करने की व्यवस्था होगी। कैंपस में इंस्टीट्यूट अपना कंसल्टेंसी सेंटर भी खोलेगा। IIM ने कैंपस के लिए पटना के ईदगीत जमीन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को जमीन की व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया है। गया में पंचायत चुनाव के बीच पैक्स अध्यक्ष को मारी गोलियां, हालत गंभीर, एक अन्य युवक को भी लगी गोली। गया एयरपोर्ट के समीप पैक्स अध्यक्ष समेत दो पर अपराधियों ने अहले सुबह ताबड़तोड़ गोलियां लगा दी। इस घटना में दोनों गंभीर हैं। पैक्स अध्यक्ष की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। उन्हें 4 गोलियां अपराधियों ने मारी हैं, वहीं साथ में रहे शख्स को भी 2 गोलियां दाग दी है। घटना करने के बाद पल्सर सवार अपराधी मौके से भाग निकले में सफल रहे। रविवार की अहले सुबह को इस घटना को अंजाम दिया गया। शिक्षक दिवस, 2 राष्ट्रीय और 18 राजकीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करना भी बच्चों को सिखाए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सारे न्यायिक बाधाओं को दूर कर योग्य शिक्षक की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की जा रही है। प्रारंभिक स्कूलों में 90,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। अभी स्कूल खुलने पर विभाग और शिक्षकों के सामने असली चुनौती बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई करना है। पंचायत चुनाव, पालीगंज में कल से होगा नामांकन। 1875 प्रत्याशियों ने पहले ही कटा ली है नामांकन पर्ची। जिला परिषद के लिए अनुमंडल मुख्यालय और मुखिया समेत अन्य पदों के लिए प्रखंड कार्यालय में नामांकन। पंचायत चुनाव की रणभेरी बचने के साथ ही जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कभी उग्रावदग्रस्त रहे पालीगंज में चुनाव को लेकर इस कदर उत्साह है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही 1875 प्रत्याशियों ने NR यानी कि नामांकन पर्ची कटा ली है। तो ये थी तमाम वो संस्करणों से खबरें, तमाम जो अखबारों से हम खबरें आपको हर रोज़ बताते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी तमाम अपडेट्स के लिए आज दिन भर न्यूज़ PR के साथ आप बने रहें।